सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लॉगिन करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, हमें ईडू मंत्रस ये जो है पहला टेस्ट देने के लिए जो हमें साइट में जाना पड़ेगा वो साइट है edu.mantras.in, IN भी डाल सकते हैं, .com भी डाल सकते हैं। ये इंटर करने के बाद ईडू मंत्रस डॉट इन इंटर करेंगे तो ये हमारा साइट खुलेगा। ये साइट जैसे ही खुला, अब जो भी हमारा क्लास है जैसे NEET 1, तो NEET 1 वाले NEET 1 में जाएंगे, 11th एंड 12th वाले बच्चे वो 11th एंड 12th वाले आइकॉन को क्लिक करेंगे। तो जैसे ही 11th एंड 12th को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उनका टेस्ट आ जाएगा। अब क्योंकि हम रजिस्टर्ड नहीं है, अब जैसे 11th वाले बच्चों को अगर टेस्ट देना है तो ये तो हो गया क्लास एग्जाम का नेम, और 11th के बच्चे इसमें दो ऑप्शन है, एक 11th का फिजिक्स है एक 12th का फिजिक्स है। तो जो 11th वाले बच्चे रहेंगे वो ये 11th क्लिक करेंगे, जो 12th वाले बच्चे हैं वो 12th क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टार्ट टेस्ट करेंगे। क्योंकि अभी कोई टेस्ट नहीं है इसलिए ऐसा इंफॉर्मेशन आ रहा है कि कोई भी टेस्ट आज नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि हम टेस्ट स्टार्ट करने से पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इस में रजिस्टर्ड का ऑप्शन यहाँ पे है, न्यू यूजर रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे, अपना नाम रजिस्टर करेंगे, एग्जाम से एक दिन पहले ये अपने को रजिस्टर कर लेना है, 24 घंटा पहले ये रजिस्टर कर लेना है, 24 घंटा लगता है एक्टिव होने में। तो ये न्यू यूजर पे वाले आइकन पे हम आएंगे, यहाँ पे आने के बाद हम क्लिक करेंगे न्यू यूजर रजिस्टर्ड, जो भी हमारा क्लास है। सबसे पहले इसमें ऑप्शन है, तो हम जैसे मान लो हम एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम रजिस्टर करते हैं JWALA, मैंने अपना नाम डाला जो वाला, फिर यहाँ पे लास्ट नेम डाला SINGH, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कुछ डाल देते हैं, ठीक है, ये हो गया 10th, ये हो जाएगा 11, मान लो 10/11, ये हो गया 1975, ये हमने डाल दिया, ठीक है। क्लास डाल दिया, अब क्लास जो डालना है, जैसे मान लो कि 11th क्लास है तो 11th क्लास वाले बच्चे XI डालेंगे, और अगर 12th क्लास में है तो ये XII डालेंगे। NEET 1 वाले बच्चे यहाँ पे XI 11 नहीं लिखना, 12 नहीं लिखना, 11th क्लास है तो XI लिखना है, 12th क्लास है तो ये ऐसा क्लास में डालना है, अगर 11th क्लास है तो रोमन्स में लिखना है, ठीक है। तो ये XI लिखेंगे, 12th वाले XII, ठीक है, ये इस तरह से लिखना है कैपिटल लेटर में, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद NEET वाले बच्चे यहाँ पे NEET 1 NEET 2 वाले बच्चे NEET 2 डालते हैं, ठीक है। ये हमने मान लो 12th क्लास का भी हमको एग्जाम देना है तो हमने यहाँ लिख दिया XII, ठीक है। जेंडर नेम यहाँ पे ले लिए मेल, ठीक है। इसके बाद आ गए मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर जिस पे तुमको SMS चाहिए, तो हमने अपना नंबर डाल दिया 9926013570, ये हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, ये हमारा हो गया ईमेल आईडी। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे अपलोड, ये जो फोटो अपलोड करना है इस फोटो का साइज 1 MB से कम होना चाहिए। 1 MB से बड़ा फोटो ये सॉफ्टवेयर नहीं लेता है, क्योंकि 1 MB से बड़ा जो फोटो होता है वो ज्यादा स्पेस लेता है। तो तुम्हें अपने डेस्कटॉप पे एक फोटो रख लेना है, जैसा कि हमने अपने डेस्कटॉप पे एक फोटो रख रखा है, ठीक है, हमने अपने डेस्कटॉप पे एक फोटो रख रखा है। तो तुम्हें यहाँ पे एक फोटो अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में, जिसका साइज 1 MB से कम हो। तो अपने डेस्कटॉप पे ऑलरेडी एक फोटो रख लो बना करके अपना, ठीक है, अपना एक फोटो फ्रंट कैमरा से लेकर के रख लो, जिसका साइज 1 MB से कम हो, बिना फोटो के हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने चूज फाइल किया फोटो के लिए, तो हम आ गए डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मैंने एक फोटो रख रखा है, ये फोटो मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ ओपन। तो इसने ले लिया फोटो, अब हम यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर का आइकन दबाएंगे, रजिस्टर्ड आइकन को क्लिक करेंगे तो ये हमारा रजिस्टर्ड होने में 1 सेकंड टाइम लेता है। अब ये हमारा नाम यहाँ पे रजिस्टर्ड हो गया है, ठीक है, ये यूजर आईडी आ गया और ये पासवर्ड आ गया। अब ये भविष्य के लिए, ये तुमको हमेशा जब भी तुमको टेस्ट देना होगा तो यही यूजर आईडी और यही पासवर्ड तुमको लगेगा, ठीक है। तो ये यूजर आईडी
और ये पासवर्ड कहीं डायरी में अच्छे से लिख लेना है। जब भी ऑनलाइन टेस्ट तुमको देना होगा तो इसी यूजर आईडी से और इसी पासवर्ड से देना होगा। दोबारा रजिस्टर्ड, एक स्टूडेंट दो बार रजिस्टर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ये यूजर आईडी और पासवर्ड हमने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद अपने को क्या करना है कि बैक गया, अब हमें जैसे मान लो हम टेस्ट देना बताते हैं, ये तो तुमको 24 घंटा पहले रजिस्टर कर लेना है। अब जैसे टेस्ट में गया, अब हमें जो टेस्ट देना है, मान लो 11th का देना है तो 11th का टेस्ट देंगे, और अगर 12th का देना है तो 12th में जाएंगे, और 12th में जाने के बाद हम टेस्ट को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे, ये हमारा 11th 12th बैक आ गया, हमने रजिस्टर कर लिया। रजिस्टर करने के बाद जिस भी दिन टेस्ट है, तो जिस दिन टेस्ट है उस दिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के अपना बैच चूज करेंगे। जैसे 12th के क्लास में है तो 12th क्लास के टेस्ट में जाएंगे, 11th में नहीं जाना। 11th क्लास के बच्चों को 12th में नहीं जाना और 12th के बच्चों को 11th में नहीं जाना, ठीक है, नहीं तो गलत टेस्ट हो जाएगा, रिजल्ट नहीं बनेगा। अब हम 12th फिजिक्स का टेस्ट दे रहे हैं तो 12th फिजिक्स पे क्लिक किए, स्टार्ट टेस्ट कर दिए। जैसे ही हम स्टार्ट टेस्ट करेंगे, ये हमारे पास हमसे अपना लॉग इन आईडी और पासवर्ड पूछेगा। तो ये हमसे यूजर नेम, तो यूजर नेम जो इसने दिया था JWAL1011-91, ये मेरा यूजर आईडी था, ठीक है। पासवर्ड इसने दिया था ये दोनों हमने यहाँ पे इंटर कर दिया और लॉगिन करेंगे। लॉगिन आइकन क्लिक करेंगे तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन पेज खुल जाएगा। यहाँ पे जो फोटो हमने डाला, ये नाम मेरा दिख रहा है, ये मेरा फोटो यहाँ पे दिखेगा, ये हमारा क्लास दिखेगा। अब यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन है कि किस तरह का पेपर है, क्या ऑप्शंस है, कैसे मार्किंग है, ये तुमको पढ़ना है। कौन सा आइकॉन क्या बताता है टेस्ट में, ये तुमको पढ़ने के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिला, ठीक है। तो ये आइकन तुमको पूरे डिटेल में पढ़ लेना है, ये पूरा जनरल इंस्ट्रक्शन है क्योंकि पहली बार तुम ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, तो ये पूरा डिटेल में पढ़ लेना। इसके बाद यहाँ पे एग्री करना, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो तुम फिर आगे टेस्ट में प्रोसीड कर जाओगे। तो टेस्ट में हम चलते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया प्रोसीड। अब जैसे ही हम टेस्ट में आएंगे तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, क्योंकि अभी टेस्ट नहीं है, तो हम सिर्फ डेमो दे रहे हैं, ये क्वेश्चन पढ़ना है। और यहाँ पर जो आइकन बना हुआ, जो यहाँ पे हम क्लिक कर दिए, जैसे मान लो सेकेंड क्वेश्चन, फिर आएंगे सेव एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे, नेक्स्ट का मान लो ऑप्शन 3 है तो 3 क्लिक कर देंगे, फिर हम करेंगे सेव एंड नेक्स्ट 3 ऑप्शन, फिर से क्लिक कर दिए। इस तरह से अगर मान लो सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, अगर डाउट है तो मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे, तो मार्क फॉर रिव्यू के लिए ऐसा यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन गए, मान लो 4th ऑप्शन है, अब ये हमें यहाँ पे फिर से सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दिए, तो ये हो गया 5वां क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इस तरह से ये पूरा टेस्ट को पढ़ पढ़ के अपने हिसाब से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता चलता रहेगा 300 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन को हमने कौन सा ऑप्शन दिया है, ठीक है, आंसर क्या दिया है, आंसर दिया है या नहीं दिया है। कुछ जो व्हाइट आइकन रहेंगे वो नॉट रजिस्टर्ड वाले रहेंगे, रेड कलर वाले नॉट आंसर रहेंगे, ठीक है, ये सारे अपने को यहाँ से क्लियर रहेगा। मान लो हमें ये थर्ड क्वेश्चन में जाना है, तो हम यहाँ क्लिक करके सीधा थर्ड क्वेश्चन में आ सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो 14 क्लिक कर दिए तो ये डायरेक्ट 14 क्वेश्चन में आ जाएगा, 1 क्लिक कर दिए तो डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, मान लो 20 क्लिक कर दिए तो ये क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना, जैसे 20 क्वेश्चन का आंसर हमें देना है तो 3 कर दिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मान लो हमें चेंज करना है तो हमने यहाँ से चेंज कर दिया, ठीक है, ये सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, समझ में आया। अब ये जब पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो यहाँ सबमिट बटन दबाना है। सबमिट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा टेस्ट कौन सा था, कितना क्वेश्चन था, आंसर हमने कितना दिया, कितना क्वेश्चन हमने छोड़ा, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू हमारा कितना क्वेश्चन था, आंसर मार्क फॉर रिव्यू में हमारा कितना क्वेश्चन रह गया, कितना क्वेश्चन नॉन विजिटेड, ठीक है, ये सारा चीज आ गया। अब यहाँ पे पढ़ लेना है कि अगर तुम्हें सबमिट करोगे, अगर अभी भी तुम बैक जाना चाहते हो तो बैक जा सकते हो, टाइम अगर तुमको अलाउ करता है तो, और अगर सबमिट करना है तो यहाँ पे फिर एक बार सबमिट करने के बाद दोबारा बैक नहीं जा सकते। तो यहाँ पे अगर मान लो हमको सबमिट करना है आंसर, तो यस दबा देंगे, यस दबा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कि हाँ अब हमको सबमिट करना है। यहाँ पे या तो तुम ओके कर सकते हो, अभी भी ऑप्शन है, या कैंसिल कर सकते हो, तो हमने ओके दबा दिया। अब जैसे ही ओके दबाएंगे
और व्यू रिजल्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट तुमको तुम्हारे बैच के हिसाब से बता देगा, कितने क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन बता देगा, करेक्ट ऑप्शन तुमने क्या क्या दिया है वो बताएगा और करेक्ट ऑप्शन बताएगा और किस क्वेश्चन में तुमने कितना टाइम लिया ये तुम्हें डिटेल में बता देगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पर एक एक्सेल फाइल भी डाउनलोड हो जाता है यहाँ पे, जिसको तुम भविष्य में बाद में भी देख सकते हो। यहाँ पे एक्सेल शीट जो डाउनलोड होगा, ठीक है, उसको तुम अपने भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए रख सकते हो, जिसमें तुम्हें इस टेस्ट का सारा डिटेल मिल जाए। साथ में अगर तुम चाहते हो कि इसका एक पीडीएफ फाइल भी तुमको मिल जाए टेस्ट का, तो यहाँ से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लो, ये क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके तुम सेव कर लो। ठीक है, ये पीडीएफ फॉर्म में तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, तो ये अपना बेसिक प्रोसेस है जिसमें क्वेश्चन को हम टेस्ट दे सकते हैं। ये भविष्य के लिए यहाँ पे डाउनलोड करके सेव कर लो इसको। ठीक है, ये हो गया, ये रिजल्ट आ गया है ना, इसके बाद यहाँ से लॉग आउट कर लो। एक बार लॉग आउट कर दिए या एक बार टेस्ट सबमिट कर दिए तो दोबारा फिर सबमिट नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया, एक बार में ही हम टेस्ट दे सकते हैं।